आई एम साक्षी, वेलकम टू अवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म KGF 2 कोरोना वायरस महामारी की वजह से अटक पड़ी है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और इन दिनों मेकर्स इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पूरा करने में जुटे हुए हैं। फिल्म KGF 2 की डबिंग अभी बाकी है, जिस कारण मेकर्स इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं कर रहे हैं। कुछ समय पहले सुनने में आया था कि KGF 2 अगस्त या सितंबर के महीने में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने अपना प्लान बदल दिया है। वैसे ताज़ा रिपोर्ट की माने तो KGF 2 के मेकर्स साल 2021 के अंत में अपनी फिल्म रिलीज कर सकते हैं। फिल्म में जुड़े सूत्र ने मीडिया को जानकारी दी है कि यश और संजय दत्त स्टारर फिल्म KGF 2 क्रिसमस 2021 या फिर न्यू ईयर 2022 पर रिलीज हो सकती है। अब देखना ये है कि इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कब तक होगा। वहीं आपको बता दें कि अगर KGF 2 साल 2021 के अंत में आती है तो आमिर खान की नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि आमिर खान क्रिसमस पर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज करने की सोच रहे हैं। उनकी ये फिल्म पिछले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से वो इसे रिलीज नहीं कर पाए। अब आमिर खान की निगाहें क्रिसमस 2021 पर है। ऐसे में KGF 2 की नई रिलीज डेट की खबर उनकी चिंता बढ़ा सकती है। देखना ये है कि आखिर KGF 2 कब तक रिलीज होगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।